वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मॉम्स कॉर्नर। तो आज हम बिना हाथ लगाए आटा गूंदेंगे। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें आटा गूंदना पसंद ही नहीं होता, तो उनके लिए ये ट्रिक है। तो बिना हाथ लगाए, बिना कोई इलेक्ट्रिक सामान के हम आटा कैसे गूंदें, चलिए देखते हैं। हम कोई पतीले में या गहरे बर्तन में 2 कप आटा लेंगे। मैंने इस कप से मेज़र किया है, आप कटोरी से मेज़र कर सकते हो। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक से रोटियों में टेस्ट अच्छा आता है। अब हम नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम एक फ्लैट स्पैचुला या बेलन लेंगे आटा गूंदने के लिए, और 1 कप पानी लेंगे। जिस कप से हमने आटा लिया था उसी कप से हम 1 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमारे हाथ इसमें गंदे नहीं होते, बिना हाथ गंदे किए आटा गूंद जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके और पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी हमारे हाथ में अगर चोट लग जाती है तो हम इस तरह से आटा गूंद सकते हैं, या हमारे हाथ में नेल पेंट लगा है, या हम शादी में जा रहे हैं और मेहंदी लगाई है, तो हम इस तरह से आटा गूंद सकते हैं। ये बहुत इजी ट्रिक है आटा गूंदने की, और आसानी से भी आटा गूंद जाता है। कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको आटा गूंदना पसंद नहीं होता, क्योंकि उनके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो इस ट्रिक से उनके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, आटा भी जल्दी गूंद जाएगा। तो दोस्तों, हमारे आटा गूंदने की ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हमारा आटा बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से गूंदेंगे। तो इसके चम्मच साफ कर लें, इसमें जो आटा लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हाथ से गूंद लें। देखिए, हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है गूंद के। अब ये रोटियां बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस ट्रिक को, और हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको पूड़ियाँ का आटा गूंदना है तो आप थोड़ा सा टाइट गूंद सकते हैं, थोड़ा कम पानी डालें। अगर रोटी का गूंदना है तो रोटी के लिए परफेक्ट है। थैंक यू।